हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल हब। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं अपने लेज़र मशीन के सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट के जो मोबाइल का टेम्पलेट होता है उसके अंदर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपको नेम या कोई डिज़ाइन इमेज कोई भी आप कैसे किस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। वो बिल्कुल बहुत ही आसान प्रोसेस है, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस वीडियोज़ थे, जो ट्यूटोरियल्स थे CO2 सॉफ्टवेयर के, उसमें कुछ पॉइंट्स जो हमारे क्लियर नहीं हुए थे उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो निकालता रहता हूँ। अगर आपने CO2 सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। और साथ ही जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, तो हमने जैसे कि मान के चलिए हमने पहले तो कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया। कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद हमने जो हमने आपको फाइल्स दी थी डिज़ाइंस फाइल्स, उसमें से मैंने आपको मतलब कि एक ये 10,000 प्लस वेक्टर फाइल्स ऑफर के तौर पे हमने निकाली थी, तो वो आपको मैं दी थी मैंने आपको उस ऑफर में। तो वही मैं उसी में से ही आपके लिए कुछ डिज़ाइंस कॉर्नर्स जो फाइल्स है वो निकालने वाला हूँ। उसको मैं सॉफ्टवेयर में लेके जाऊँगा कि कैसे आप एक्यूरेट में कोई भी एक परफॉर्मा तैयार कर सकते हो एग्जैक्ट शेप में, एग्जैक्ट साइज में। तो अनग्रुप करेंगे, सबसे पहले हमारा ये ग्रुप था तो इसको हम जैसे कि ले लेंगे, जैसे कि एक हमने ले लिया है, ठीक है। चाहे इसको हम कोई सा भी और ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे रियल क्वालिटी के रहने वाले CDRs जो फाइल्स ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाल रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे वीडियो का, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक ये ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये CDR में ले लेता हूं। तो इसको मैं सबसे टॉप पे ही डाल लेता हूं, JPG नहीं BMP, क्योंकि हमें इंग्रेविंग करने हैं। PLT में भी कर लोगे सेव तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप वहाँ पर जाके कलर कर देंगे तो बाकी सेम सारा ऐसे ही आएगा। PLT होता है खमाशा, हमारी जो सॉफ्टवेयर में कट करने की कमांड होगी PLT यूज़ होती है उसके लिए। और BMP में क्योंकि क्लैरिटी क्लियर रहती है, और भी जो है जो फॉर्मेट यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन BMP क्वालिटी थोड़ी सी हाई रहती है औरों के मुकाबले। तो इसमें हमने 1, 2, 3 नाम के मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लिया। ओके, देखो जैसे कि क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये चीज़ आपकी रहने वाली है, क्योंकि वो हम BMP में सेव कर रहे हैं तो वो पिक्सल्स जुड़ जाते हैं। तो हमने कर लिया, मिनिमाइज़ कर लिया, देखो जैसे कि डेस्कटॉप पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। तो इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम लेज़र मशीन का सॉफ्टवेयर चालू करते हैं, उसमें से हम कोई एक डिज़ाइन ले लेंगे या नाम भी लिख लेंगे जिसको आप अपना हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने काफ़ी फाइल्स जो दिए हैं उसमें आपको ट्रेंडिंग्स जो कॉर्नर्स फाइल्स हो गई, जो आपके लोगोज़ हो गए, या फिर आपके कीचेंस बनाने के लिए कुछ आइटम्स हो गई, वो आप इजीली बना सकते हो 10,000 प्लस में। क्योंकि वो ज़्यादा इंग्रेविंग के लिए जो गोल्डन पैनल बनाते हैं उसके लिए ज़्यादा मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कोई भी हम बिना किसी देरी के कोई भी एक हमने XYZ मॉडल ले लिया, जैसे कि सैमसंग का मॉडल ले लिया, जैसे ये ले ले मान लेते हैं, ये ले लिया हमने, इंपोर्ट किया 90 डिग्री, सॉरी डिलीट हो गया, इसको हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये XYZ जो देख रहे हो, सॉरी XY जो पोजीशन देख रहे हो, तो ये आपकी X ये रो हो गई, ये Y हो गई, ठीक है, एक्सिस हो गई, ये आपकी X एक्सिस, ये Y एक्सिस। तो आपको ये पोजीशन देनी है, तो अगर आप ये परफेक्ट पोजीशन दे देते हो, क्योंकि ये हमारी ये चीज़ देखी जाएगी, ये पॉइंट देख रहे हो, तो ये हमारा पॉइंट देखा जाएगा। तो इसको हम 80 कर देते हैं और इसको हम 40 कर देते हैं। ये आपका साइज़ चेंज नहीं होएगा,
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इसको हम 1382 कर देते हैं और ये 42 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो 82 है हमारा यहाँ तक जा रहा है, नहीं सॉरी 72 हो गया ना, 42 करना था, 42 हमारा यहाँ तक जा रहा है, 82 हमारा यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, जैसे एक्स एक्सिस पे 42 हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमने परफेक्ट साइज दे दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने कोई भी डिज़ाइंस लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो कोई भी, आप अपने हिसाब से नीचे चलते हैं, अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइंस ले लेते हैं, तो ये इनमें से कोई ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो ये हमारा आ गया है। हमने वैसे दूसरा सिलेक्ट करने की कह रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा सर्वर लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो हमने ये कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये पेस्ट कर लिया। अब इसको हमने क्या किया, छोटा किया, ठीक है। छोटा करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम पहले इनग्रेव पे कर लेंगे, आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपका ये क्या चीज़ कट पे है, क्या चीज़ इनग्रेव पे है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके अपना, सॉरी ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके अपना ये हर एक पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हमने बहुत हैंग कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा साइड रख के ना पहले कंबाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हिलता रहेगा फिर। अब देखो अब ज़्यादा किचकिच नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा शायद करेगा, क्योंकि ये हमारा इसमें भी थोड़ा सा अलग हो गया, इसको भी मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ये भी अब किचकिच नहीं करेगा, ठीक है। अब वापस से हम एक बार 42 82 कर लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में यही दिक्कत है हमारी कि स्लो बहुत चलता है, हैंग करता है सर्वर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे कि ये हमने ये जैसे कि ये लिया, अब हमने ये देखो ये हमने 42 पे लिया था, तो हमारा 42 यहाँ पे डाल देंगे, 42 परफेक्ट साइज डाल देंगे, सॉरी 42 डालना है, 42 डाल दिया हमने, ठीक है। 42 डालने के बाद हमारा अब ये देखो कि ये हमें अगर परफेक्ट लेना है सेंटर में, यहाँ पे करना है बिल्कुल, तो हमें 82 डालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमें 82 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मतलब कि मोबाइल के बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी सेंटर में, ठीक है ना। अब जैसे कि आप जूम इन करके देख सकते हो, बिल्कुल बराबर है, और ये चीज़ हमारा बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमने बराबर कर दी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना चाहता हूँ, इसको नीचे, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, एक्स एक्सिस को नहीं छेड़ेंगे, हम वाई को छेड़ेंगे, वाई को हम जैसे कि 100 डाल देंगे, तो वो नीचे एग्जैक्ट कर देगा, ठीक है। हम 120 डालेंगे, वो क्योंकि वो सेंटर में करेगा, अगर आप ऐसे मूव करोगे तो वो हमारा हिला सकता है, देखो 36 पोजीशन पे हमारी हिल जाएगी, फिर सेंटर में हमारा लाना का मुश्किल हो जाएगा। 42 फिर यहीं पर डाल देंगे हम, और यहाँ पे हम डाल देंगे, हमने यहाँ पे 140 डाल दिया, 120 डाल दिया, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये 120 डाल दिया, लेकिन हमें यहाँ पे अपना कुछ जो हमने कॉर्नर लिया था वो हमें ऐड करना है, तो इसलिए हम पहले इसको बीच में ही कर लेते हैं, 82, ठीक है। अब हमने इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पे गए, डेस्कटॉप पे गए, 1 2 3 ओपन किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आ गया, ठीक है। जैसे कि आ गया, लेकिन हम पहले इसको कट
कट पे कर देंगे, सॉरी वो कट ही कर दिया मैंने गलती से, इसको हम कट पे कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं इसे, अब देखो ये जो चीज़ है हम इसको परफेक्ट, जैसे कि ज़ीरो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 आ गया, तो ये हम यहाँ पे इसको 20 पे रखेंगे। ठीक है, 20 पे थोड़ा सा हमने अंदर चला गया, इसको अगर हम 25 पे करते हैं तो 25 पे ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, इधर से थोड़ा सा हमें ऊपर करना है, तो 100, 10, 20, 30, 40, 50, तो हमने ये 130 कर देना है, 140 एक बार करके देखता हूँ, तो 140 ठीक है हमारा। ठीक है, तो 140 ज़्यादा ही हमारा, मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही हो गया, तो हमने 145 कर दिया, 145 तो ज़्यादा ही हमारा नीचे हो गया, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे पहले साइज़, इसमें तो आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेस्ट करके हमने एक और ले लिया, फ्लिप कर दिया, तो ये हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया ये, जैसे कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें ये सेंटर में कैसे रखना है एक्स वाई एक्स। अब देखो ये परफेक्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो या कंबाइन कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमने तीनों इंग्रेविंग को हमने एक में ही कर लिया, तो हमारा ये इंग्रेव हो गया, ये हमारा कट पे हो गया, सेम हमारा ये क्लिप कर दिया हमने, तो ये कमांड हमने दे देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, खाली बस आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, मतलब कि पहले टेम्पलेट को बराबर करना है, फिर उसी के आपको अकॉर्डिंग सेंटर में करना है। जैसे कि अगर कोई भी कीचेन बना रहा है, ठीक है ना, कीचेन बना रहा है, जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, उसको हमने राउंड कर दिया, और इसमें छोटा सा हमने सर्कल ले लिया, फिर इसको भी हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जुड़ गए आपस में, तो इसको हमने पहले कट पे कर दिया। ठीक है, अब हमें एक नाम लिखना है, अब पहले हमारा ये जो पॉइंट देख रहे हो इसमें हमें बीचों बीच नाम लिखना है, तो बीचों बीच अगर आप लिखते हो कुछ इस तरीके से, पहले किंग लिख दिया, फिर इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब हमने अमन, इसको कन्वर्जन टू पोली रे किया, अब इसको हमने ग्रुप कर दिया या कंबाइन कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया आपस में, तो अब हमने क्या किया, अब इसको हमने कितने पे बराबर किया था, देखो अगर आप इसको इस तरीके से आप लेके जाओगे तो आपका कुछ अलग से ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ही पूरा परफेक्ट कर देंगे 50, सिक्सटी
50, ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, 50 और ये 60, ठीक है, हमारा ये परफेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके इसको हम इनग्रेव की पावर दे के इसको हमने कट की पावर दे दी, ये हमारा एक कीचेन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आपका सेंटर में करा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप CO2 सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसके लिंक दे दिए हैं, तो आप वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।